हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सागर और आप देख रहे हैं क्विक हैक हैकिंग कोर्स। अब हम बात करेंगे फूड प्रिंटिंग के बारे में कि फूड प्रिंटिंग क्या होता है। आपको पता है हैकर्स जब अटैक करते हैं तो वो पहले पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो पता करते हैं कि हम किसको हैक कर रहे हैं और क्यों हैक कर रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस चीज से जुड़ी हुई है चीजें, ये कंपनी कहाँ से जुड़ी हुई है, कंपनी का मालिक कौन है, सर्वर कौन सा है, कौन सी कंट्री में सेव है, ये सारी चीजें पहले गैदर की जाती है। इसको बोलते हैं प्री एक्सप्लॉयटेशन फेज, जिसमें कि अटैक से पहले इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। कोई भी अटैक को अंजाम देने से पहले, कोई भी हैक करने से पहले, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं या व्हाइट हैट हैकर्स भी, वो ये पता करते हैं कि हम जिसको अटैक कर रहे हैं वो है कौन, किसको हम अटैक कर रहे हैं। एक्चुअली आप किसी वेबसाइट को सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए ये वेबसाइट को हमें हैक करना है, राइट, या इस कंपनी की इस वेबसाइट को हमें हैक करना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला हैक करने का, राइट। अब हम हैक तो कर देंगे, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए हम किसको हैक कर रहे हैं, क्या कोई गलत लोग तो नहीं जुड़े हुए हैं इससे, या इसको हैक करने से क्या मेरे को परेशानी आ जाएगी, क्या मेरे पास जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, व्हाइट हैट हैकिंग के केस में बता रहा हूं मैं आपको, कि जो मेरे हाथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है हैक करने का, उसमें कुछ ऐसा तो मेंशन नहीं है जिससे मुझे आगे प्रॉब्लम हो जाए। जैसे उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, हैकर होगा जिम्मेदार, तो मान लीजिए हैक करते वक्त अगर कुछ गलत हो गया तो उसका पूरी जिम्मेदारी एक हैकर की होगी, बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो व्हाइट हैट हैकर भी करते हैं फूड प्रिंटिंग और ब्लैक हैट हैकर्स तो करते ही हैं, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए वो किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, नहीं तो बिना पता किए आप अगर करेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो फूड प्रिंटिंग वही होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, अटैक करने से पहले अपने जो टारगेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना फूड प्रिंटिंग कहलाता है। और इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि फूड प्रिंटिंग बिगिनर्स लेवल पे, मतलब जो शुरुआती दौर में की जाती है, वो कैसे की जाती है। जैसे कि आपको पता है ये बिगिनर्स के लिए कोर्स है, जो इथिकल हैकिंग में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, ये जो शुरुआती दौर से सीखना चाहते हैं। फूड प्रिंटिंग के ऊपर एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर भी डाली है, लेकिन वहां पर मैंने प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया है। और इस कोर्स में मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊं और एक्सप्लेन भी करूं कि ये क्या होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि फूड प्रिंटिंग क्या होता है, अटैक से पहले सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना फूड प्रिंटिंग कहलाता है, सिंपल। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सागर, आप देख रहे हैं क्विक हैक हैकिंग कोर्स और आज हम सीखेंगे कि फूड प्रिंटिंग कैसे की जाती है। फूड प्रिंटिंग करने के दो तरीके हैं, एक तो ऑटोमेटिक तरीका है जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से होता है, जो कि सबसे आसान तरीका है, और दूसरा है मैनुअली। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ऑटोमेटेड तरीका कैसे है और कैसे काम करता है, कैसे उसे यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है एनीबस। एनीबस फूड प्रिंटिंग आप लिखेंगे गूगल पर तो आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। देखिए ये वेबसाइट है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है। ये जो वेबसाइट है ये दूसरी लैंग्वेज में है, इसको आप अगर गूगल क्रोम आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और ये इंग्लिश में हो जाएगी। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं आप, इसमें और बहुत सारे टूल्स हैं फूड प्रिंटिंग के अलावा, और कई चीज़ें हैं, हैकिंग चैलेंजेस वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी टूल्स हैं, आपको बहुत सारे हैकिंग के सॉफ्टवेयर यहाँ मिल जाएंगे। इस वेबसाइट के बारे में हर कोई नहीं जानता है, जो प्रोफेशनल हैकर्स हैं वो इस वेबसाइट पर आते हैं। और ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, छोटी सी साइट है, देख सकते हैं आप, ये गूगल ब्लॉगर पर बनी हुई है। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब मैं ये ट्यूटोरियल आपको दूं तो ये वेबसाइट शायद बंद हो जाए या हो सकता है इसके सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर दे। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये बंद कर देंगे तो फायदा क्या है। ठीक है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटेड है, ये आज चल रहे हैं कल चलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। तो हर एक इंसान को मैनुअली चीजें करना भी आना चाहिए, राइट। अब ठीक है, आप एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आपको टाइपराइटर यूज करना आता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको हैंड राइटिंग करना भी आना चाहिए, आपको हाथ से पेन से लिखना भी आना चाहिए। इनकेस आपका टाइपराइटर या आपका प्रिंटर खराब हो जाए तो आप पेन से लिख सकते हैं, राइट। यही केस यहाँ भी होता है, सॉफ्टवेयर से हर कोई कर सकता है, मैनुअली करना असली चीज़ होती है, वही मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप यहाँ ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, यहाँ से ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। और यहाँ पर देखिए इसमें स्क्रीनशॉट दिया हुआ है इसका, गूगल सेट से दे सकते हैं, ऑडिट फाइनल रिपोर्ट, गूगल हैकिंग, हु इससे आप पता कर सकते हैं किसके नाम पर ये सर वेबसाइट है वगैरह वगैरह, ठीक है, और बहुत चीज़ें, एन मैप, DNS वगैरह चेक कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी ऑप्शन क्लिक करें, वेबसाइट का URL डालें, गो कर दें, हो जाएगा। ठीक है, ये जरा ऑटोमेटिक तरीका जो शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब हम चलते हैं मैनुअल तरीके पे, ठीक है। तो हम किसी भी वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है, मैं पहले अपनी वेबसाइट के बारे में जानूंगा, ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ही अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करूंगा कि मैं अपने बारे में कितना कुछ जान सकता हूँ, ठीक है। चलिए,
सबसे पहले हम ये देखेंगे किसी वेबसाइट के कितने पेज इंडेक्स्ड है, ठीक है। जस्ट तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, साइट लिखना होगा। गूगल क्रोम में जाइए, साइट लिखिए, कॉलन दीजिए और उस वेबसाइट का नाम लिखिए। तो मेरे केस में मेरी वेबसाइट का नाम है technicalsagar.in, ठीक है, साइट कॉलन technicalsagar.in और उस पर एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर जितने भी रिजल्ट आएंगे वो उसी वेबसाइट के आएंगे, तो इससे पता चलेगा कि इस वेबसाइट के कितने पेजेस गूगल में हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें पता चलती जाएंगी आपको कि कितने पेजेस हैं वेबसाइट के, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से पेज को आपको अटैक करना है, उसका URL क्या है, राइट। चलिए, ये तो बहुत ही बिगिनिंग वाली चीज, बिगिनर्स की चीज़ है। अगर हम जानना चाहें कि इस वेबसाइट के सारे पेजेस क्या हैं, मतलब पेज का स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको पता है कि एक वेबसाइट है उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, और सारे पेजेस के बारे में अगर कोई हमें स्ट्रक्चर जानना चाहे कोई, या कोई भी जानना चाहे, तो कैसे जानेगा। तब हम इंट्रोड्यूस करते हैं साइट मैप को। किसी भी साइट का एक मैप होता है, ये एक XML फाइल होती है जिसमें पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, जो कि गूगल को बताता है कि इस वेबसाइट में ये पेज इस जगह पर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट एक ट्री की तरह होती है। मैं आपको समझाने के लिए पेंट का इस्तेमाल करता हूँ। पेंट खोल लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक URL है मेरा, ये मेरा URL है, ठीक है। यहां पर दो पेज हैं, एक होम पेज, एक अबाउट अस, ठीक है। तो ये अबाउट अस, ठीक है, तो AU दे देते हैं शॉर्ट फॉर्म, और ये होम, तो ये HO दे देते हैं, ठीक है। अब अबाउट अस में भी दो पेज हैं, ठीक है। यहां पर है मान लीजिए मेरी फोटो, और यहां हमारे बारे में, मेरे बारे में टेक्स्ट है, ठीक है। और यहां पर होम पे है मान लीजिए मेरी वीडियोस, ठीक है। तो वीडियोस का यहां पर एक ऐसे आइकॉन बना देते हैं, और यहां पर है फिर से पैराग्राफ वगैरह, मतलब टेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये पूरी वेबसाइट यहां पर है, तो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। एक वेबसाइट के पास पहले मेन दो पेज हैं, फिर पहले पेज में और दो पेज हैं, तो पूरा ये ट्री बन गया, राइट। ये पूरा एक ट्री बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर हम मान लो इस वेबसाइट से जाकर हम इस पेज को हैक करना चाहें, तो हमें ये पूरे इस स्ट्रक्चर से, इस पूरे स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ेगा, राइट, तब हम इस पेज तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए हमें पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वो कैसे पता करेंगे, मैं आपको बताता हूं। अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है तो बहुत ही आसान है, और दूसरे उसमें भी बनी है तो भी आसान है। आपको करना यह है, आप लिखिए technicalsagar.in, ठीक है, मेरी वेबसाइट का नाम है, स्लैश दीजिए, लिखिए sitemap.xml, ठीक है, और एंटर कर दीजिए। यहां पर आपको आपकी वेबसाइट का पूरा साइट मैप मिल जाएगा। अगर वर्डप्रेस साइट है तो बहुत आसानी होगी, ठीक है, आराम से आ जाएगा। अब यहां पर देखते हैं होम में कौन से साइट मैप, क्या क्या पेजेस हैं। देखिए होम पे ये, और अब देखते हैं कि मेरी जो पोस्ट है, मतलब मैं जो वर्डप्रेस पे पोस्ट डालता हूं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। यहां पर क्लिक किया तो ये देखिए सारे पेजेस आ गए, कौन से पेजेस क्या है, अगर वो कितना मंथली, कितने इंटरवल पर वो उसमें अपडेट करता हूँ, प्रायोरिटी क्या है उसकी, ठीक है, लास्ट तारीख, लास्ट कौन सी डेट है वो मॉडिफाई किया था। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी वेबसाइट में कौन सा पेज किस दिन और कितने बजे अपडेट हुआ है, ठीक। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता चलेगी। फुटप्रिंटिंग का मतलब यही है कि आप इंफॉर्मेशन गैदर करें, राइट, बिल्कुल। तो चलिए, ये तो हमें पता चल गया। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि किस कोई वेबसाइट किसके नाम पर है, ये भी तो सवाल उठता है ना। तो उसके लिए आप whois.net पर जाइए, एंटर कीजिए, और यहां पर आप एक वेबसाइट का नाम डालिए और एंटर कर दीजिए। यहां पर जैसे ही आप किसी वेबसाइट का नाम डालेंगे तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। ये चीज आपको इंटरनेट पर ज्यादातर कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, लेकिन ये चीज आप किसी को मत बताना, अपने तक ही रख। यहाँ पर वेबसाइट डालोगे तो उसके वेबसाइट का ओनर, डोमेन कब एक्सपायर होने वाला है, वेबसाइट कब बनाई है, उसकी पूरी कुंडली आ जाएगी, अगर उसने अपने डोमेन में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई है तो, ठीक है। तो यहाँ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल, यहाँ वेबसाइट नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं अपनी ईमेल आईडी वगैरह आपको बताऊँ या मेरे वेबसाइट कब बनी है, ये सब चीज़ें काफ़ी प्राइवेट चीज़ें भी हैं, इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो आप अपनी वेबसाइट या किसी और की वेबसाइट पर यहाँ पर डाल के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बिगिनर्स के लिए फुटप्रिंटिंग का लेसन।
और भी चीजें आप पता कर सकते हैं, और बहुत छोटी चीजें हैं जैसे आप मान लीजिए मेरी वेबसाइट का नाम है technicalsagar.in, ठीक है, technicalsagar, ठीक है, .in, या आप टेक्निकल सागर लिख दीजिए, फिर .in स्पेस देके .in लिख दीजिए और अबाउट अस लिख दीजिए। तो आपको पता है जो वेबसाइट्स होती हैं, एंटरप्रेन्योर की वेबसाइट्स होती हैं, कंपनी की वेबसाइट होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादातर अबाउट अस पेजेस में ही डालती हैं, ठीक है, थीके? तो ऐसे ही रफ आइडिया लगा के अबाउट अस लिखिए, वेबसाइट का नाम लिखिए और एंटर कीजिए। देखिए यहाँ पर पेज आ गया एक technicalsagar.in अबाउट अस, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक पेज आ जाएगा जिसमें मैं अपने बारे में, देखिए मेरा मेरी इन्फॉर्मेशन आ गई, टेक्निकल सागर इज अ टेक ब्लॉग ऑथर्ड बाय अभिषेक सागर इज अ वाइट हैट हैकर, ठीक है, आगे इन्फॉर्मेशन। तो ये बहुत ही बच्चों वाली ट्रिक है, मतलब सबसे पहले आप इसे ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद बाकी कुछ, ठीक है। तो ये काफी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल गई, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो हुई से जो था इससे पहले उससे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपने टारगेट के बारे में पता चल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मैनुअली फुटप्रिंटिंग की जाती है। थैंक यू सो मच।